YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में, कल का व्यू क्या हो सकता है। साथ ही साथ हम उन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिसमें आप कल ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर वो स्टॉक्स हमारे दिए गए रेंज में ओपन होता है तो। इसमें हम बाय और सेल दोनों अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक्स आपको बताएंगे जिसमें आप कल जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हाई टाइम फ्रेम पे बात करें तो निफ्टी जो है काफी ज्यादा वीक है और निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में है और उसका ये ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने हाई टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर देखिए जस्ट ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है। तो अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से हम निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। ऐसे भी निफ्टी जो काफी ज्यादा यहाँ से देखें स्ट्रांगनेस दिखाया है, अपने यहाँ पर जो गिरावट हुआ था वहां से काफी ज्यादा रिकवरी किया है, 800 से भी ज्यादा पॉइंट का निफ्टी ने रिकवरी दिखाया है। तो वहीं हम अब लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही यहाँ पर निफ्टी जो है रिजेक्शन देना शुरू कर दिया है। लेकिन आज जो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर जो गैप निफ्टी ने क्रिएट किया है, इस गैप को अभी तक फिल नहीं किया है। कल अगर यहाँ पर इसी प्राइस रेंज के आसपास ओपन होता है निफ्टी, फिर इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है जो कि निफ्टी आज बनाया है, तो इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक ये आ सकता है। तो यहाँ से ये गैप भी फिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा ये सपोर्ट रीजन का काम करेगा जो कि पहले रेसिस्टेंस का काम करता था जो कि है 17,100। देखिए लाइव मार्केट में चार्ट किस तरह से फॉर्म होता है उस पर डिपेंड होता है कि कल का मोमेंटम कैसा होगा। तो मुख्य रूप से ये बातें होती है, ये हम जनरल एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस रीजन जो है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करें। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि लाइव मार्केट में निफ्टी का चार्ट कैसा फॉर्म हो रहा है, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना होता है। तो लाइव मार्केट में हमारे चार्ट को फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर हम लाइव मार्केट में आपको चार्ट बताते हैं अभी निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा फॉर्म हो रहा है। तो यहां देखिए सिंपल है कि यहां पर रिजेक्शन आया, फिर यहां पर देखिए दूसरे बार रिजेक्शन आया इसी लेवल से, फिर यहां पर सपोर्ट मिला, फिर तीसरी बार मतलब यहां पर क्लोजिंग दिया है, यहां पर अभी सपोर्ट मिला रही। अगर इसको ब्रेक कर देता है मतलब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और यहां पर जो दूसरा सपोर्ट तब काम करेगा यहां पर वो है 17,100। तो ये दो मुख्य सपोर्ट है। अभी भी हम लोअर टाइम फ्रेम पर निफ्टी जो है बुलिश है, हमारा बेयरिश नहीं है, लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम है उस पे बैंक निफ्टी बेयरिश है। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम का जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर देते हैं फिर यहाँ से हम निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। फिलहाल निफ्टी को बेयरिश होने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर भी देता है दोनों को तो भी हम निफ्टी को बेयरिश में नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो रिकवरी 800 पॉइंट्स का है तो यहाँ जो गिरावट होना चाहिए अप्रॉक्स 200-300 पॉइंट्स का होना चाहिए, तब हम बेयरिश होंगे। और बेयरिश कब होंगे, जब ये 900 के लेवल को ब्रेक करेगा, जो 16,900 का लेवल है उसको ब्रेक करेगा तब जाके निफ्टी बेयरिश होगा। लेकिन इंट्राडे बेसिस यहां से एक बड़ी गिरावट या बड़ी करेक्शन भी निफ्टी दिखा सकता है, फिर भी हम बेयरिश नहीं होंगे क्योंकि हम वन साइडेड 800 पॉइंट्स का रैली किए हैं, तो 200-300 पॉइंट्स का यहां पर करेक्शन हो सकता है, फिर जाकर के हो सकता है हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पर मैंने ड्रॉ किया है, तो फिर हम पूरी तरह से यहाँ पर निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। कल का जो हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन और रेसिस्टेंस रीजन होगा वो हमारा ये सपोर्ट रीजन होगा जो कि है 17,165 का, और जो रेसिस्टेंस रीजन होगा वो होगा 17,255 का। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन जो है हमारा डेली टाइम फ्रेम का, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करके जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हम निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आज देखने मिला लास्ट टाइम में, मतलब बैंक निफ्टी जो निफ्टी कंपैरिजन में आज वीक था। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिला। अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि 34,900 इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक तेज हमें गिरावट देखने मिल सकता है, और जो नेक्स्ट हमारा टारगेट यहाँ पर होगा वो 34,600 तक बैंक निफ्टी यहाँ पर जा सकता है। फिर यहाँ पर जो रेसिस्टेंस रीजन होगा जिसको बार बार बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया वो है 35,365 का, मतलब इसके आसपास का रीजन ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है जिसके पास जाना अभी तो काफी उम्मीद नहीं दिख रहा है। कल अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है फिर हम इस रेसिस्टेंस रीजन को ब्रेक करेंगे जो कि पहले सपोर्ट का काम करता था जो कि है 35,000, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर 35,100
इसको ब्रेक करते हैं फिर हम 35,250 तक जा सकते हैं, और नीचे अगर हम फ्लैट ओपन होकर के इसको ब्रेक करते हैं सपोर्ट को, तो फिर हम नीचे जो है आपको टारगेट बता दिया कि हम 34,600 तक जा सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए नीचे जो है काफी ज्यादा स्पेस है, लेकिन ऊपर स्पेस काफी कम है क्योंकि ऊपर कई सारे रेसिस्टेंस है। लेकिन जो लाइव मार्केट में चार्ट बनता है उस पर डिपेंड होता है कि मोमेंटम कल का कैसा होगा। जब बैंक निफ्टी मूव करना शुरू करता है तो सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूटते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम में मूवमेंट हुआ, ये दो लेवल जो है लगातार यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। जब बैंक निफ्टी यहाँ मूव हुआ मात्र 30 मिनट में दोनों सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो गए। तो जब मोमेंटम आएगा तो सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का हमारा व्यू, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है, लाइव मार्केट में किस तरह का चार्ट फॉर्मेशन होता है और उस चार्ट पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसको जानने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिसपे आप कल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का अभी करेंट प्राइस है 3542 रुपीज। अगर ये 3540 रुपीज के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट रीजन बना रखा है उसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर ये 3520 रुपीज़ तक आसानी से आ सकता है। तो यहाँ पर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पर 20 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड ले सकते हैं। 1:1 या 1:2 का आप रेशियो यहाँ पर रख सकते हैं। वही अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि है 3555 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की ओर बुलिश हो जाएगा और तब फिर आप इसको जो नेक्स्ट टारगेट जो 3575 रुपीज़ है उसके लिए बाइंग कर सकते हैं। तो उधर भी आपका 20 रुपीज़ बनता है, तो वहाँ पे भी आप जस्ट इसके 40 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:1 का इधर भी रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका हो जाएगा। दूसरा स्टॉक है पिडलाइट इंडस्ट्री। देखिए पिडलाइट अगर यहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर 2440 को मतलब 2440 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं और जो इसमें आपका टारगेट होगा 20 रुपीज़ का, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होगा आपका मात्र 10 रुपीज़ का, 250 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर वहीं पिडलाइट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो फिर यहाँ पर जस्ट आप जो है 5 से 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख करके आप इसको बाय कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट होगा वो होगा 2462 रुपये का, फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 2470 रुपये का, और जो यहाँ पर सेकेंड टारगेट आपको रखना चाहिए वो है 2488 रुपये का। तो काफ़ी बेहतरीन होगा अगर यहाँ पर बाइंग का मौका आता है, इसमें सेलिंग का मौका, दोनों मौका यहाँ पर मिल सकता है। किस डायरेक्शन में ये ओपन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऊपर की ओर ओपन होता है तो बाइंग करके चल सकते हैं, अगर नीचे ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट यहाँ पर 3360 रुपये के नीचे यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और इसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 3335 रुपये का होना चाहिए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा हो जाएगा मात्र 10 रुपीज़ का। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है वो काफ़ी बेहतरीन है आपका। तो 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप 3360 रुपये के नीचे एशियन पेंट को सेल कर सकते हैं। एशियन पेंट में बाइंग का मौका तब आएगा जब ये 3380 रुपये के ऊपर निकलेगा, और ये फिर आप 3400 रुपये के लिए मतलब 3400 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर बाइंग का मौका में आपका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अगर ये बाइंग का मौका देता है तो आप बाइंग करके भी चल सकते हैं। तो 1:1 का यहाँ पर रिवार्ड रेशियो हो जाएगा। तो ये तीन कुल बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड स्टॉक्स है, लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।